अपने डिफेंस की सीन है वो ट्रकों वाले अड्डे की सीन है। ट्रैवलर जो इन्होंने रोल किया ना घर भी इन्हें कपड़े जी खेलते हैं। और भाभी हमारी इनको बुलाती है इधर आधरा छोटी ने नान पिश करने लगे तो फिर नुकर वाला गटर को निकाले। क्या उसमें नाकामी हुई या कामयाबी हुई? नहीं नहीं वो कामयाबी हुई है और वो मेरे दो बच्चों की बेटी है अपना। तजरबा किया था क्या? नहीं जाहिर है हर काम सीखने से आता है, अगर मैं वो ना सीखा होता तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं डॉक्टर अजमल टीवी और मेरा प्रोग्राम है एक सवाल डॉक्टर अजमल मलिक के साथ। और आज ये सवाल जो है मैं अपने तीन आर्टिस्टों से करने लगा हूँ। मेरा सवाल क्या है मेरे साथ जवाब देने के लिए हामिद रंगीला साहब मौजूद हैं जी, पाकिस्तान टीवी और थिएटर के नामवर स्टार और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा, आजकल थिएटर भी कर रही हैं मलाइका खान मेरे साथ मौजूद हैं। और ये जो साथ नफीस से गेटअप में हैं इनको आप अच्छी तरह जानते हैं, ये थिएटर के नामवर अदाकार और टीवी टॉक शो भी कर रहे हैं आजकल और बड़ा पसंद करी है पब्लिक इन्हें, वसीम पुनु। कैसे हैं पुनु साहब? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे। अच्छा आप पुनु साहब क्या होना नहीं, क्या बात है, आपकी आंखें क्यों नहीं खुल रही? तेरा गेटअप देख के मेरी आंखें बंद हो रही है। आज उस्ताद जी ने हमें घेर घूर के कमरे में इकट्ठा कर लिया और अल्लाह खैर करे पता नहीं कौन सा सवाल पूछ लेंगे। सवाल इस वक्त तैयारी में भी नहीं। सवाल पूछने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके दरमियान एक हसीना मौजूद है। वेरी नाइस, मेरे सामने तो नाना कहीं हसीना होगी अपने घर में मुझे। दो हसीना में दो, हाँ वो आपके लिए होगी, मैं तो वन ओनली वन तो फिर आप सवाल और किसी से कर ले। नहीं चले आप रोको तो सही है, मैं निकल भी सॉरी 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 आप इनका बहुत अच्छा ड्रामे में इन्होंने जो रोल किया बहुत जबरदस्त है, ऑडियंस जो है बहुत ही खुश है और लाइक बहुत। ये हमारे कैप्टन हैं डॉक्टर अजमल साहब जो हमें एक लाइन दे देते हैं उस पे बातें बताते हैं हम कर देते हैं जाके बस। अच्छा ऐसे है कि मेरे इन अदाकारों का पहले डिमांड होती थी प्रोड्यूसर्स की तरफ से, प्रोड्यूसर पैसे लेकर आते थे और कहते थे डॉक्टर साहब वसीम पुनु दे दो, ऐतकी जरा ना जी आम पब्लिक भी पैसे लेके आ रही है कि वसीम पुनु दे दो। मैं तो डरते बाहर खड़ी नहीं होती, कोई ना कोई उल्टे सीधे सवाल होते हैं। ये देख ले वसीम पुनु है, ये कोई और नहीं है। और मेरा सवाल ड्रामे च जो इन्होंने रोल किया ना घर भी इन्हें कपड़े च खेलते हैं। और भाभी हमारी इनको बुलाती है इधर आधर छोटी ने नान मेरे नाम तो हसी मजाक चलती रहती है। हामिद रंगीला साहब जो है ना वो थिएटर का खूबसूरत असाथ है और इंशाल्लाह मोहर्रम के बाद भी हम डॉक्टर साहब के साथ काम कर रहे हैं जी इंशाल्लाह। हां इकट्ठे हमारे सवाल अब कर लूं। हामिद रंगीला साहब मेरा सवाल जो है प्रोग्राम मेरा है एक सवाल डॉक्टर जी, सवाल ये है कि इश्क तो है वो जरूरी है जिंदगी में एक मरतबा जरूर होता है जी, तो लेकिन बार बार होता है। हां मजबूरी मेरे साथ भी है। आप इधर पंजा दे दिया तो वो तो आगे हाथ नहीं करते। हामिद रंगीला साहब पूछ रहा है सवाल है कि आपने जिंदगी में कभी इश्क किया? जी मैंने किया इश्क। तो अगर आप इश्क करने लगे तो फिर नुकर वाला गटर कौन निकाले? लेट हो जाएगी तो फिर गटर निकाल लो। नहीं तो वो क्या इश्क, क्या उसमें नाकामी हुई या कामयाबी हुई? नहीं नहीं वो कामयाबी हुई है और वो मेरे दो बच्चों की बेटी है अपना। आपके दो बच्चों की जो बेटी है आपकी वो घर वाली है? देखा मैंने पहले कहा था दरअसल ना हमने आज दो शो किए हैं और ऊपर से हमने ना जरा मटन खा लिया जरा तुन के। दो बेटों की वो वालदा है, वालदा है। हाँ, और आपकी बेटी एक इश्क है जिंदगी में और वो हमारी भाभी बन गई आपके बच्चों की मामा। हाँ साहब उन्होंने कहा है कि सच्चे सवाल बताने हैं मैंने। सच्चे सच्चे नहीं तो फिर ये आपने झूठ क्यों बोला कि एक इश्क हुआ है? नहीं नहीं तेरे नाल तो नहीं, जो मैं जो मुझे पान खिलाती रही हो पत्ती वाले मुझे टोन करके तुमने पता नहीं क्या क्या टोन किया। तुमने मुझे कहा कि चाय वाली पत्ती वाले मैंने तुम्हें गुरु पत्ती खिला दी। ऐसा बोलो साहब वो ऐसा है कि क्योंकि आप
इनसे शादी होगी हमारी भाभी से। अब इनके घर में आ गए तो होन किसे हो रेश कुनु नहीं मनन गए। नहीं नहीं उठे ब्रेक ही नहीं लगी उस बाद जब दो तीन बच्चे हो जाते हैं ना तब भी ये इनको अकल आती है। पहले बड़ा खज्जल होते हैं। खज्जल तो हुए होंगे आप अपने। खज्जल तो बड़ा खज्जल क्योंकि मैंने एक बड़ा नुकसान भी इसमें किया है ठीक है। और उसके बाद मैंने ये देखा है कि अगर मैं इसके साथ शादी कर लूंगा तो मैं भी बच जाऊंगा और ये भी बच जाएगी। अच्छा नहीं तो फिर आपको पता ये हमारा शो भी है इसमें स्कैंडल कैसे कैसे बनते हैं। हाँ। क्या बातें निकलती है मतलब नफा नुकसान तक काम। तो मैंने वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इस हद तक पहुंच गए थे हम दोनों। क्या बात। फिर हमने शादी कर ली। वेरी गुड। यानी फिर उससे पहले वाले इश्क भी आपने छुपा लिए और बाद वाले भी। नहीं उसको बता दिया मैंने ये पहले वाले बता दिया। पहली रात ही थप्पड़ ना पै जाए पहले बता दिया। इनका कॉम्प्रोमाइज हो गया। इन्होंने भी बता दिया था। उन्होंने भी बता दिया। तो मलाइका तो खैर पहले ही कबूल कर चुकी है तो मुझे कई मर्तबा हुआ है। कितनी मर्तबा हुआ देने की। नहीं नहीं मैं यहाँ की गिनाने शुरू करूंगी ना तो नहीं पड़ जाएगी। जिंदगी में सच बोली है कितनी मर्तबा इश्क हुआ। लेटेस्ट जो हुआ वो मुझे जो इश्क था अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा मैं करती थी। अच्छा ये तो खैर लगी है मॉर्निंग शो में डिप्लोमेटिक बात है। डिप्लोमेटिक बात है लेकिन मैं वाकई ही अपनी फैमिली से बहुत मैं फैमिली वाले इश्क की बात ही नहीं कर रहा। फैमिली से सब इश्क कर रहे हैं सी आलो को फैमिली नु की फाइल आ गया हमने। हम भी इश्क करते हैं। इश्क आजकल मेरा है। अच्छा जी 12-13 महीने हो गए। 12-13 माशाल्लाह अल्लाह करे उसे आपकी शादी हो जिस ज्यादा ना मैं गंदा करना। हाँ बस यहाँ स्टॉप कर लो। हकीकत बताने लग गया तो पूरी दुनिया में चल रहा है। 12-13 महीने से इश्क चल रहा है। अल्लाह करे इससे शादी। उससे जो पहले वाले थे उनको जवाब दे दिया। नहीं उससे पहले इश्क नहीं थे। अच्छा सिर्फ एक उसकी फैन फॉलोइंग होती है। क्यों इतने डीपली जा रहे हैं मतलब लोगों को गंदा कर रहे हैं आप। नहीं नहीं क्या मतलब उससे पहले इश्क नहीं था वो सिर्फ खर्चे पूरे कर दिए। खर्चे बहुत ज्यादा थे रिवर तो इससे पहले वो इश्क नहीं थे वो अखराजात पूरे। देखिए डॉक्टर साहब मैं आपके चैनल के थ्रू एक पैगाम देना चाहती हूँ कि मैंने बाहर काट दिया। जो आर्टिस्ट होते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह वो आप इतने खुद पैसे कमाते हैं कि कोई जरूरत मैं आर्टिस्टों की बात कर रही हूँ। अच्छा जी जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो खुद इतने पैसे कमाते हैं वो उनके पैसों से खुद इतने घर चलते हैं वो क्यों मांगेंगे किसी से। जो मांगते हैं हम उनको आर्टिस्ट ना गिनते हैं ना वो आर्टिस्ट हैं। बात खत्म। आप इशारे से मांग लेना करो भाई। मांग लेना अच्छा है नहीं तो बगैरती की शराब से ना इज्जत की चढ़ सच्ची। मेरा मतलब ये है कि आपके बारे में तो सुना है कि आपके खानदान में इश्क पर पाबंदी है। इश्क पर पाबंदी है ना जाहिर है हमें इश्क करता कोई नहीं। डॉक्टर साहब आप ही समझते हैं हमें इश्क कोई नहीं करता। अच्छा। हमें बस ऐसे ही अपना डांस वगैरह करा लिए फंक्शन करा लिए। ऊपर से ये कितने बदतमीज हैं जो हमारे मजाक करते हैं। इनको पता नहीं है हम भी अल्लाह की मखलूक है कुछ शर्म किया करें। आप हमें छेड़ते हैं हम दुआएं दुआएं देने वाले लोग नहीं हम दुआएं देने वाले लोग हैं। मैं मैसेज भी दे रहा हूँ अपनी जेब में पीछे फैमिली है। हम हजारों करोड़ों ख्वाजा सराए हम अच्छा पैगाम दे रहे हैं इनसे भी प्यार किया करें। मुझे ये बताए कि ये मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ आपके इश्क की जब आप मर्द हुआ करते थे। हाँ मर्द हुआ क्या करते थे। मैं अभी ना तो हो गए मैं मर्द ही हूँ मेरे दोस्त के अपन जान पा देना कोई ना। अच्छा, नहीं यार मतलब देखिए डॉक्टर साहब जब बंदे को इश्क होता है ना जी, मेरे हिसाब से जब इश्क होता है शादी हो जाती है। जब तक फजूल इश्क होते रहते हैं शादी ना हो जिससे वो इश्क उश्क नहीं होते वो वैसे ही वो भी फारिग होती है। ये कितनी इश्क की तौहीन है कि जिससे शादी ना हो वो फजूल इश्क होता है। अच्छा पहली बात मैं आपको ये बता दूं जितना मेरा नॉलेज है कि जो इश्क लफ्ज है ना वो ये लड़कियों लुड़कियों के लिए नहीं आया। अच्छा ठीक है ये और नहीं उनको भी छोड़े वो भी कहानियों में या कख में नहीं पट खुआ दिया पुआ खुआ दिया कुछ भी नहीं गया फजूल बातें इनको बिलीव ना किया करें आप भी। मैं बात करता हूँ ये जो है ना मोहब्बत इश्क ये घर से शुरू होता है माओ से बहनों से भाइयों से रिश्तेदारों से। ये एक जो है ना सिस्टम है शादी का और रील खानदान। हाँ रील में मैं आपकी गलत बता रहा हूँ ये दफा मैं नहीं बनता मैं पकड़ लिया करो मैं वोट होगी तो खत्म। मेहरबानी फैमिली में सारे लेके जा रहे हैं इश्क क्लोज ना करें। ये राजा मर्द औरत का इश्क था। हाँ। सस्सी पुनू अच्छा जिसकी शादी ना हो। हाँ। जिसने शादी करनी होती है ना वो पहली बात है कि देखो वही काम के ना रंगी लड़े पीछे बोतल खोल दी है दिखाओ जरा दिखाओ इसने क्या डाली जाते वो चोरी कर लेता तो बाकी रोंगी ला यार बोतल ही बुरी बात है।
उसको ऐसे ऐसे करिए यारों पर सर ढक्कन खोलता तो शून्य ही होगा। अच्छा ये शून्य जो है ना वो आपने जो अच्छा मैं दो लफ्जों में ना बात खत्म करने लगी हूँ। हाँ। देखिए जो है ना प्यार मोहब्बत इसको ना तकरीबन एक या दो महीना चाहिए होते हैं। और यार इश्क कितने की थे उन्होंने है पूछे कितने किए थे। मैंने कोई इश्क नहीं किया, बस मैंने जिससे इश्क किया उसे मेरी शादी हो गई। आपने वहाँ इश्क नहीं किया मुझे पता है। हाँ जिससे आपकी शादी हुई आपने उनसे इश्क नहीं किया, वो तो अरेंज मैरिज थी, फैमिली ने मिलजुल के। नहीं मुझे डेढ़ दो महीने मिले थे कि भाई देखभाल लो। देखभालने में और बाकी तक एक दूसरे को पसंद करके माँ बाप से बगावत करके नहीं वो फोन पे होता ही है कि एक दूसरे का ज़हन पढ़ लो कि क्या है क्या नहीं। वो तो होगी ना एक अंडरस्टैंडिंग भी होगी। अच्छा आप मेरा मुंह ना खुलवाए, मैंने भी बड़ी कुड़ियां फसाई हैं, बस ठीक है उनको भी चाहिए था मैं और मुझे चाहिए थी वो। सच बताना ये क्या हो रहा है बदतमीजी ना करो। मैं इज्जत करती हूँ। जितनी लड़कियां फसाई है उन्होंने आपका माल खाया या आपने उन लड़कियों का माल खाया? अच्छा उनके कांड सुन रही है, मैंने नाचते भी उनसे किए हैं। ओह माय गॉड। नहीं ये दोस्त नहीं, फिर अगर इन्होंने उनका माल खाया तो इन्होंने उनके बॉयफ्रेंड भी बर्दाश्त किए होंगे। माल शान नहीं खाया। अच्छा ये इस फील्ड में वही बंदा कामयाब हो सकता है जिसके जो माल खाता है। नहीं नहीं जिसके जिसके साथ लड़की फंस जाती है शोबिज में वो गैरतमंद ना बने। ठीक है वो गैरतमंद ना बने क्योंकि उसको पता है ये भी डांस कर रही है, मैं भी डांस कर रही हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, वो भी काम कर रही है, इसमें गैरतमंद नहीं। अगर वो उसका रिलेशन किसी के साथ भी है तो ठीक है, तुम्हारे साथ अच्छी है। हम मुंह ना खुलवाए, हम अंदर की बातें ले रहे हैं बस। जरूरतमंद भी ना बने, नाश्ता बड़े पल्ले से करें। नहीं नहीं ये अगली की मर्जी है, जिसको मैं अब अच्छा लगता हूँ या अच्छी लगती हूँ वो मुझे खिलाते पिलाते भी है, मुझे गिफ्ट भी होते हैं। वो कितनी अच्छी लगी है, कितनों ने आपको अच्छा समझा? देखें उस्ताद जी जब हम घर से निकले थे ना तो काफी ना मशहूर नहीं थे इतने। हम साहब तुसी भी फील्ड दी कली करो ना मरो कुछ ते कहो। हां मैं बोल रहा हूं हमने तो 10 दिता कि उस तो पहले वाली अंदर 10 दिता थी। मैं 10 ठीक है। बात पता क्या है मेरी जो है ना शोबिज में भी आपको पता है कि मेरी 3 शादियां पहले थी, 2 मार बैठा। फाइनल शादी करने के लिए तजर्बा किया था क्या? नहीं जाहिर है हर काम सीखने से आता है, अगर मैं वो ना सीखा होता तो ये डर नहीं बचना था। पहले सीखना पड़ता है ना। आप खुली बातें कर रहे हैं, आपने भी इससे पहले काम सीखा? नहीं लाइक तुमने कोई ऐसी बात नहीं करनी। हमारी जो फीमेल होती है ना वो क्योंकि तो इधर कोई शौक से नहीं आता, हर मजबूरी आपके पीछे मजबूरी है ना, हमारी भी मजबूरी इनकी भी मजबूरी, पीछे फैमिली होती है। अब देखिए किसी से मांगेंगे तो वो अपनी कोई ना कोई ख्वाहिश आगे रखता है, जी ये करे वो करे दफा। खवातीन हजरात मेरा सवाल था कि इश्क किसने किया, इश्क में क्या क्या? मेरे को भी ग्लो आई लिया मैं, और ये मलाइका और हमारे वसीम कुन्नू साहब और हामिद रंगीला साहब ने हंसी मजाक में खूबसूरत तरीके से अपने इश्कों के बारे में भी बता दिया और अपने अल्लाह दोनों इश्क।